गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित हैं, अच्छे से हैं और रेगुलर आपकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो छात्रों, आज मैं यहाँ पर कक्षा 8 हिंदी मीडियम विषय विज्ञान का बायोलॉजी का चैप्टर है, जो कि बायोलॉजी मीन्स हमारी साइंस में हम चैप्टरों को पढ़ रहे हैं। तो ये साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीन भागों में डिवाइडेशन किया है इसको। तो पहले हम सबसे पहले केमिस्ट्री के चैप्टरों का अध्ययन कर चुके हैं, इसके बाद हमने फिजिक्स के चैप्टरों का भी अध्ययन किया है। तो हम चैप्टर कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे करके हम सीरियली से चैप्टरों का अध्ययन कर रहे हैं और आपको पीडीएफ उसी के हिसाब से भेजते चले जा रहे हैं और आप अच्छे से उन्हें नोट भी करते जा रहे हैं। तो अब ये हमारे चैप्टर है ना, ये इकाई 7 का अध्याय 18 है, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वास्थ्य रिलेटेड है, स्वास्थ्य तथा रोग जो विज्ञान का है। तो स्टूडेंट, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि है विज्ञान का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टेड भी है। अगर आप इसको सही से पढ़ना चाहोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा जो भी। और इसमें हम क्या है कि स्वास्थ्य तथा रोग, मतलब हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, स्वस्थ रहकर हम रोगों से कैसे बच सकते हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टेबल बना रखी है, टेबल तालिका। इस तालिका में मैंने विटामिन उनका महत्व तथा हीनताजन रोग मतलब उनसे होने वाले रोगों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट, यहाँ पर हम विटामिनों के नाम है, बहुत सारे कौन कौन से विटामिन है जो हमारी वृद्धि के लिए, हमारे विकास के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और इन विटामिनों की कमी होने से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो हम सबको धीरे धीरे करके अच्छे से समझेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर विटामिन ए है, जो विटामिन ए जो होता है ना, हमारी आंखों तथा त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए का नाम विटामिन ए है। अब विटामिन ए का कार्य महत्व क्या हुआ हमारे शरीर में, इसका क्या काम होता है विटामिन ए का, तो ये हमारी आंखों तथा त्वचा को, स्किन को बहुत मतलब स्वस्थ रखता है, है ना, अच्छा रखता है। और स्रोत विटामिन ए हमको कहाँ से मिलते हैं, आम, पालक, गाजर तथा चुकंदर से हमको विटामिन ए प्राप्त होता है। और अगर विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमको आंखों से संबंधित रोग हो जाते हैं, जिसको हम दृष्टि रोग बोलते हैं। दृष्टि मीन्स रतौंधी, कम दिखना चाहिए, रोग उत्पन्न हो जाते हैं स्टूडेंट। दूसरा है आपका विटामिन बी वन का काम क्या होता है, यह पाचन तथा तंत्रिका तंत्र को सुचारू कार्य करने में सहायता करता है। ये पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र को चलाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आपको स्रोत क्या है, साबुन और अनाज जैसी चीजों का सेवन करना चाहिए। और इससे होने वाला रोग मीन्स हीनताजन रोग कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी का मतलब होता है अधिक कमजोरी हो जाएगी आपको। विटामिन बी2 ये त्वचा तथा मुंह को स्वस्थ रखता है, इसके लिए हमको हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। विटामिन बी12 स्वस्थ रुधिर तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। हमारे शरीर में स्वस्थ रुधिर और वृद्धि के लिए बहुत जरूरी होता है। ये हमको कहाँ से मिलता है, मांस तथा मांसाहारी चीजें, जितनी भी मांसाहारी चीजें होती हैं उनमें से हमको ये खाने के लिए मिलता है। अगला है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी का काम क्या होता है, दांतों और मसलों को स्ट्रांग रखता है, मजबूत रखता है। अगर मान लीजिए हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो हमारे मसूड़ों में ब्लड आने लगेगा और हमारे दांतों का क्षरण होने लगेगा, जिसे हम पायरिया रोग बोलते हैं, पायरिया हमको हो जाएगा, ठीक है ना। विटामिन डी छोटे बच्चों की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है। और विटामिन के रक्त स्पंदन में सहायक होता है, मतलब रक्त स्पंदन। हरी पत्तेदार सब्जी, टमाटर, अंडे की जर्दी आदि खाएंगे तो ये विटामिन डी आपको मिलेगा। और सूर्य के प्रकाश में बैठने में से हमको विटामिन डी प्राप्त होता है। और चोट के बाद अत्यधिक रक्त का विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, जब भी हमारे शरीर पे कहीं पर चोट लग जाती है तो वहां से ब्लड बहुत अधिक मात्रा में बहने लगता है। तो छात्रों, यहाँ पर ही हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझेंगे और इसको समझने के बाद मैं आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर पीडीएफ में भेज दूंगा, एक एक करके आप अच्छे से नोट करते चलिए। तो ये था हमारा
विटामिन और विटामिनों के कार और स्रोत और उनसे होने वाले रोग, मतलब हमको कौन सा विटामिन किससे मिलता है और इन विटामिनों का हमारे जीवन में मतलब हमारे शरीर के लिए काम क्या होता है और इनसे होने वाले और इनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जब तक हमारे शरीर को एक संतुलित भोजन, एक संतुलित मात्रा में एक बैलेंस भोजन नहीं दिया जाएगा तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। और बताते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो आप स्वस्थ रहेंगे तो 100% आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे और अच्छे से रह पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है और अच्छे से इसको समझने के बाद में मैं आपको जैसे PDF भेजूंगा उसमें से आप क्वेश्चन के आंसर एक एक करके नोट करते चलना और अपना ध्यान रखते ही चलना है आपको, और अपना ध्यान रखते हुए अपन को पढ़ाई भी आगे करना है। ओके स्टूडेंट, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।